नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे पास है बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर E1+। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, इसका फुल रिव्यू करके देखेंगे, इसकी टेस्ट राइड भी करके देखेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलने में कैसा है और क्या ऑन रोड प्राइस और क्या एक शोरूम प्राइस आप लोगों को देखने को सुनने को मिलती है जयपुर की। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी लुक की। तो देखो लुक आप लोग देख सकते हो दोस्तों, काफी डिफरेंट लुक है इसका। जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी मार्केट में आ रहे हैं उन सबसे करीब काफी अलग इसका लुक दिया गया है। जैसे कि आप इसकी हेडलाइट को देख सकते हो दोस्तों, हेडलाइट आपको राउंड शेप में ही LED DRL आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके ओडोमीटर की। मैं ओडोमीटर आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का ओडोमीटर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा, जहां आपको बैटरी के बार्स आपको साइडों में, दोनों साइडों में आपको दिखाई देंगे। यहां आपको गाड़ी की स्पीड और नीचे आपको टोटल किलोमीटर दिखाई देंगे और नीचे आपको रिमेनिंग किलोमीटर यहां पे शो करेगा कि कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी में अभी बचे हुए हैं, कितनी दूर हमारी गाड़ी अभी जा सकती है। दोस्तों इससे ऊपर आपको इको मोड, पावर मोड और टर्बो मोड भी दिखाई देगा। जिस मोड में अगर आप गाड़ी चला रहे होंगे उस मोड में यह आपको शो करेगा कि आपकी गाड़ी अभी कौन से मोड में चल रही है। दोस्तों आपको ऊपर स्पीड और नीचे रेंज भी शो कर देगा। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो दोस्तों आपको दोनों साइडों में इंडिकेटर, लेफ्ट राइट के निशान आपको देखने को मिलेंगे और हेडलाइट का भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बीच में आप लोग देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा देगा। रेड कलर की लाइट अगर जली हुई तो आपकी गाड़ी ऑन है, रेडी है, स्टार्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर की। जैसे कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, आप साथ ही साथ आपको डिस्क ब्रेक भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दोनों टायरों में आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, आगे और पीछे। पीछे वाले टायर में आपको हब मोटर देखने को मिलती है जिसकी पीक पावर करीब करीब 2500 वोट है। 12 इंच का टायर आप लोगों को देखने को मिलता है आगे और पीछे, दोनों साइड में आप लोगों को 12 इंच के टायर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ कमाल का फुटरेस भी आप लोगों को मिलता है, जो एक बार क्लिक करते ही अंदर लॉक हो जाता है और एक बार क्लिक करते ही बाहर आ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फ्लैट फुटबोर्ड मिलता है आपको, जहां पे आप अपने कोई भी सामान वगैरह, सिलेंडर वगैरह आप रख सकते हैं। दो दो हैंगिंग हुक मिल जाते हैं आपको, एक यहां मिल जाएगा और एक यहां मिल जाएगा, जहां पे आप हेलमेट वगैरह या कोई भी सामान, थैला वगैरह आप यहाँ पे भी रख सकते हो। आगे से आप लुक देख सकते हो इसका। राउंड शेप में आपको LED DRL मिल जाएगा LED हेडलाइट के साथ दोस्तों। और आप यहां देख सकते हैं यहां पे आपको रिवर्स मोड भी मिलता है, रिवर्स मोड मिल जाएगा आपको यहां पे, जो कि आप यहां पे रिवर्स दबा के यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। पार्किंग मोड मिल जाएगा, इसको दबाते ही आप चारों इंडिकेटर एक साथ काम करने लगेंगे, आप पार्किंग मोड में एक्टिवेट हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा, 3 राइड्स मोड मिलेंगे आपको, पावर, इको, टर्बो मोड, तीनों मोड्स में आपको रेंज अलग अलग इसमें मिलने वाली है। दोस्तों सेल्फ का ऑप्शन मिलता है आपको। अब दोस्तों मैं इसका आप लोगों को बूट स्पेस दिखा देता हूं कि आप लोगों को इसमें बूट स्पेस कैसा मिलने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बूट स्पेस कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, जहां पे आप देख सकते हैं आपको 1.9 किलोवाट आवर की आप लोगों को बैटरी मिलने वाली है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बैटरी कुछ इस तरीके की आप लोगों को मिलने वाली है, 48 वोल्ट की आप लोगों को बैटरी मिलने वाली है, रिमूवेबल बैटरी है। आप कुछ इस तरीके से बैटरी को बाहर निकाल के भी आप चार्ज कर सकते हो। ज्यादा दोस्तों इसका बूट स्पेस आपको ज्यादा बड़ा मिलने वाला है नहीं, 12 लीटर का बूट स्पेस है। आप इसमें फुल साइज का तो हेलमेट नहीं, कुछ छोटा हाफ साइज का जो हेलमेट आता है छोटा वाला, वो आप इसमें रख सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको बाउंस इन्फिनिटी E1+ की ब्रांडिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आप लोगों को सेम यही चीज पीछे भी देखने को मिल जाएगी और साइड पैनल दोनों साइड पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मुझे इस गाड़ी में जो एक कमी लगी है, गाड़ी बहुत ही अच्छी है लेकिन जो मुझे एक कमी इसमें देखने को मिली है कि वो है कि इसमें आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जिंग USB केबल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये कि बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है इसमें कि आपको लोगों को मोबाइल चार्ज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी गाड़ी अच्छी है। अब दोस्तों इसको चला के देखते हैं, इसकी टेस्ट राइड करके देखते हैं कि चलाने में कैसी है। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं टेस्ट राइड पे और हम इसे चला के देखेंगे, थोड़ी सी दूर चला के देखेंगे क्योंकि दोस्तों जो ये रास्ता है वो ज़्यादा लंबा है नहीं और मैंने इसको इको मोड पे सेट कर दिया है, यानी कि
जो मैक्सिमम स्पीड है इको में 40 की, उससे ज़्यादा ये जाने वाली है नहीं, क्योंकि रास्ता ज़्यादा लंबा है नहीं। तो थोड़ी सी दूर मुझे चला के देखना है और मैं बताऊँगा आपको वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रास्ता है, और जो स्पीड आप लोगों को दिखाई दे रही है वो मैक्सिमम 40 तक की स्पीड आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, जो कि इस रास्ते पे सफिशिएंट है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने में जो मज़ा है दोस्तों, वो आपको यूँ लगेगा कि आप जैसे कि एक साइकिल चला रहे हो, बिना कोई आवाज़ के बिल्कुल एकदम साइलेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है हमारा चल रहा है। और दोस्तों आगे कच्चा रास्ता भी आने वाला है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं आगे कच्चा रास्ता शुरू हो चुका है। और दोस्तों मैंने कच्चे रास्ते में भी इसको चला के देखा हुआ है, अगर मिट्टी वाले रास्ते में भी अगर आप इसे चलाते हो तो वहाँ पे ये मिट्टी में धंसती नहीं है दोस्तों, आराम से भी आप वहाँ पे इसको चला सकते हो। तो दोस्तों इसे चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और दोस्तों अब हम हमारे स्कूटर को लगा देते हैं साइड में, अब बात करते हैं आपसे। दोस्तों फाइनली हमने इसकी टेस्ट राइड कर ली है, दोस्तों इसे चलाने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। दोस्तों ये सुबह से ही मेरे साथ में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बाउंस इन्फिनिटी का E1+ सुबह से मैं इसको चला रहा हूँ। वीडियो बनाने के लिए मैंने आप लोगों को रिव्यू और टेस्ट राइड करके दिखाया है, सुबह से करीब मैं इसको 10 से 12 किलोमीटर चला चुका हूँ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी रेंज टेस्ट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं E1+ इलेक्ट्रिक स्कूटर की, आप लोगों को एक शोरूम प्राइस क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ जयपुर की, जो अभी एक शोरूम प्राइस जो चल रहा है वो करीब 1,13,000 रुपये एक शोरूम प्राइस चल रहा है जयपुर में, जो कि पिछले महीने करीब 90,000 रुपये था। सब्सिडी बंद होने की वजह से आप लोगों को 20 से 22,000 रुपये प्राइस हाइक का आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को शोरूम का एड्रेस दे देता हूँ, सांगाने टोंक रोड पे आप लोगों को बाउंस इन्फिनिटी का शोरूम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एड्रेस और लोकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप कॉल करके इंक्वायरी वगैरह करना चाहते हो, अगर आप जयपुर के हो टेस्ट राइड वगैरह करना चाहते हो, या कोई भी इंक्वायरी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को शोरूम के नंबर आप लोगों को दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लोग इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी रेंज टेस्ट करने वाले हैं कि एक बार बैटरी फुल चार्ज करने पर आप लोगों को ये कितना रेंज दे देती है। तो अभी मैं इसको करीब करीब 12 किलोमीटर तो चला चुका हूँ, अब जो बचेगा वो उसमें नेक्स्ट वीडियो में टोटल करके मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि ये एक बार फुल चार्ज करने पर कितना किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल कर लें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लेना और बेल और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को